हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी कीमा और सिंघाड़े की सब्ज़ी। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, यकीन मानिए हमारी बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर के रेडी हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार कीमा और सिंघाड़े की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मेरे पास ये 500 ग्राम बड़े का कीमा है। मैंने इसको अच्छे से धोकर के चलनी में रख दिया था। इसका पानी देखिए अच्छे से निकल चुका है। अब कीमे को हम कुकर में ऐड कर देंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे, अभी फ्लेम को हाई रखेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, कुकर में सीटी आने देंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको करीब 5 से 7 मिनट पकाएंगे और कीमे को अच्छे से गला लेंगे। अभी देखिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्च लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर के साफ कर लिया है। अब इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। ये प्याज के वाइट वाले पार्ट को तो हटा देंगे। ये प्याज टमाटरों को आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आधा किलो कीमे के हिसाब से काफ़ी है। ये कीमे को भी लो फ्लेम में पकते हुए ही करीब 8 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देंगे। अभी देखिए मेरे पास ये सिंघाड़े हैं, ये मेरे पास ज़्यादा होने की वजह से बच गए थे, तो मैंने इनको छील करके फ्रिज में रख दिया था। इनको पहले छील कर रखने की वजह से देखिए इनकी स्किन इस तरीके की हो गई है, लेकिन मैंने इनको फ्रिज में से निकालने के बाद धो लिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके से सिंघाड़े बच जाएँ तो आप इनको यूज़ कर लें। आप चाहो तो इनकी सब्ज़ी बना लें या फिर इनका हलवा बना लें। इनका हलवा भी बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टीम देखिए निकल चुकी है, इसको हम खोल के चेक कर लेंगे। कीमे ने देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। चूल्हे को ऑन कर देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके पानी को सुखा लेंगे। ये कीमे का पानी सूख चुका है, अब इधर से कुकर को उठा लेंगे। इधर हम कढ़ाई रख देंगे, तो मैं इसमें देखिए करीब 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करूँगी। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहो तो इसमें दूसरा ऑयल भी ले सकते हो। और फ्लेम को हाई रखेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब आप चाहो तो सिंघाड़े की स्किन को देखिए इस तरीके से छील सकते हो। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें सिंघाड़ों को डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सिंघाड़ों का अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। फिर सिंघाड़ों को इस तरीके से फ्राई करके आप इनकी चाट भी बना सकते हो। इनकी चाट बनाने के लिए इनमें थोड़े से कटे हुए प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल दें, थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दें, इनकी चाट भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। सिंघाड़े देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें बघार ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने 2-3 तेज़पत्ते लिए हैं, ये 2-3 छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 4-5 लौंग लिए हैं और 10-12 मैंने काली मिर्च ली है। बघार को इसमें ऐड कर देंगे, बघार को हल्का सा पकाएंगे। अब इसमें प्याज़ों को ऐड कर देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे और प्याज़ों को हम बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे और इनको भी प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटरों को डाल देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये 1/2 चम्मच हल्दी है, ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है। अब इसमें मसालों के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक पहले मैंने कीमे में भी डाल दिया है, इस वजह से अभी कम डाला है। नमक और मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब इसको हम ढक देंगे
और ढक करके इसको लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इनको लो फ्लेम पे पकते हुए ही करीब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम कीमे को ऐड कर देंगे। अभी कीमे की भी मसालों के साथ थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब देखिए मैंने करीब 200 ग्राम दही लिया है, दही को इसमें ऐड कर देंगे। दही को इसे मिक्स करेंगे और इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। ये कीमे की देखिए बढ़िया भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम सिंघाड़ों को ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। अभी मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब इसको ढक देंगे और ढक करके इसको लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसको लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको मैंने धोकर कट कर लिया है। धनिया को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और धनिया को इसे मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने कितनी बढ़िया हमारी कीमे और सिंघाड़े की सब्ज़ी बन करके रेडी हुई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।